नागिन की अभिनेत्री सुरभि चंदना की शादी की खबर काफी समय से चर्चा में थी। कहा जा रहा था कि अदाकारा इस साल मार्च के महीने में बिजनेसमैन करण शर्मा संग करेंगी शादी। लंबे समय तक अपने रिश्ते को मीडिया की नजरों से दूर रखने के बाद अब सुरभि ने की अपनी शादी की खबर कंफर्म। इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए फैंस के साथ शेयर की ये बड़ी न्यूज। सुरभि ने करण संग अपने डेटिंग लाइफ के बारे में किया एक बड़े राज का खुलासा। जी हाँ, 13 साल से एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे सुरभि और करण। पोस्ट कुछ इस प्रकार था, adding colors to his life since 13 years. Our forever begins now. Established #2010. बस कुछ हफ्तों में बिग बॉस 17 के विजेता का नाम सामने आ जाएगा। ये साल का बिग बॉस काफी रोमांचक रहा है। समर्थ जुरेल और आयशा खान की वाइल्ड कार्ड एंट्री से लेकर शॉकिंग डबल एविक्शंस तक कंटेस्टेंट्स लगातार चर्चा में बने हुए हैं। एक रीसेंट एपिसोड में मेकर्स ने किया अहम बात का खुलासा। इस बार के विनर्स को मिला है एक चमचमाती कार जीतने का मौका। कैश प्राइज के साथ विनर को मिलेगी न्यूली लॉन्च्ड कार टा जीतने का चांस। इस हफ्ते बिग बॉस में आएगा एक और नया ट्विस्ट। मिडवीक एविक्शन, डबल एविक्शन और वाइल्ड कार्ड एंट्री के ड्रामे के बीच अब ये हफ्ता पड़ेगा सभी घर वालों पर भारी। मुनव्वर फारूकी से लेकर पॉपुलर बहू अंकिता लोखंडे तक सभी घर वाले आ गए हैं नॉमिनेशन की जकड़ में। वीक 14 में अरुण माशेती, मुनव्वर, अंकिता, विकी जैन, आयशा खान, ईशा मालविया, अभिषेक कुमार, मन्नारा चोपड़ा सब कंटेस्टेंट्स पर लटक रही है नॉमिनेशंस की तलवार। फिनाले के इतने करीब आकर अब किसको कहना पड़ेगा बिग बॉस 17 के इस घर को अलविदा। अपने भाई असीम रियाज और हिमांशी खुराना के कंट्रोवर्शियल ब्रेकअप पर एक्स बिग बॉस खिलाड़ी ओमर रियाज ने तोड़ी चुप्पी। कुछ समय पहले असीम और हिमांशी ने अपने फैंस को अपनी ब्रेकअप की खबर से चौंका दिया था। जहां दोनों ने ये कहा कि ये ब्रेकअप दोनों के अलग रिलीजन्स के कारण हुआ है, वहीं जनता इस बात से खुश नहीं थी। बिग बॉस के घर में जिनकी प्रेम कहानी की हुई थी शुरुआत 4 साल बाद, हिमांशी ने जनता के आगे ब्रेकअप को अनाउंस किया। उसी के बाद असीम ने ना ही सिर्फ न्यूज को कंफर्म किया पर ये तक बता दिया कि दोनों के रिलीजन सेम ना होने के कारण ये रिश्ता यही खत्म हो रहा है। अब असीम के भाई उमर रियाज, जो बिग बॉस 15 का हिस्सा रह चुके हैं, इस कंट्रोवर्शियल ब्रेकअप पर रिएक्ट करते आए नजर। उमर ने जनता पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्यों इस ब्रेकअप को ब्रेकअप की तरह नहीं पर डिवोर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उमर ने फैंस से गुहार लगाते हुए कहा, ये फैसला असीम और हिमांशी का है और जनता को उनके डिसीजन की इज्जत करनी चाहिए। लॉकअप की अभिनेत्री अंजलि अरोड़ा ने किया डिफेमेशन की खबर को कंफर्म। कच्चा बादाम के लिए पॉपुलर हुई अंजलि अरोड़ा का एक फेक MMS हुआ था वायरल। FIR लॉज होने के बाद पुलिस ने की तहकीकात शुरू। टाइम्स नाउ टेलीटॉक संग बात करते हुए अंजलि ने डिफेमेशन की खबर की कंफर्म। जब उनके PR रिप्रेजेंटेटिव से हमने कनेक्ट किया तो हमें बताया गया कि FIR लॉज हो चुका है और अभी इन्वेस्टिगेशन में सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। बात करें इस केस की तो बता दें, जब अंजलि रियलिटी शो लॉकअप के घर में बंद थी तब उनका एक MMS वायरल हुआ था जहां अंजलि के चेहरे को मॉर्फ करके किसी और का चेहरा लगा दिया गया था। जैसे जैसे पुलिस इस केस में गुनहगारों का खुलासा करेगी, वैसे वैसे केस की प्रोग्रेस हम आपसे शेयर करते जाएंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर पूनम पांडे ने किया नेक काम। पूनम ने बच्चों में मिठाई बांटी जिससे उनके फेस पर आई स्माइल। आराम से
चलो सबको मिलेगा।